खुशी का माहौल है और मेरा लाइफ में कभी सोचा नहीं था मेरा भी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। इसलिए आप जितना लोग मेरा इस खुशी में शामिल हुआ सभी लोगों को दिल से आगे स्वागत करता हूँ और मैं आपको मैं नमन करता हूँ इस चीज से। थैंक यू। कुछ बोलने से पहले मैं परमपिता भगवान को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बिना ये पत्ता भी हिलता नहीं। आज उसी ने ये बिग डेट फिक्स किया मेरे लिए। शायद वो पहले लिख के रखा था मनुष्य तेरे लिए आज डेट है। भगवान की मर्जी से हो रहा है जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा मेंटर जितना भी गुरु है मेरा मेंटर है जो जिसने मेरे को यहाँ तक लेके आया सभी महापुरुष जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मंच के द्वारा। और हमारे मेंटर हम लोग का शेषा कुमार का जो भी पास डायरेक्टर है उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों से जैसा ऐसा इंसान जीरो से हीरो बनाते हैं उन लोगों में उन पांच डायरेक्टर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू। और इस शेषा कुमार को मैं कई दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। वो मेरा प्यारा टीम सबसे दमदार हर चीज में कभी नहीं पूछा गुरु जी क्यों इसका करना है उस टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस टीम की बदलत आज मैं डायमंड बन पाया। आज मेरे नीचे 10,000 का टीम है दोस्तों। टीम के नाम हो रहे दोस्तों। दोस्तों उन लोग का मेहनत लगन एथिक के वजह से हो रहा है दोस्तों। हर जगह पे पहले मेरा नाम नहीं था मौजूद नहीं था मनुष्य को किसी का जानता नहीं कोई जानता नहीं था दोस्तों। आज उन लोगों की बदलत हर स्टेप पे हर जगह पे मेरा एक बिजनेस चला दोस्तों। ये बिजनेस के द्वारा दोस्तों। थैंक यू। पहले भी कुछ 7 साल पहले भी नाम मनुष्य था आज भी मनुष्य नाम का एक ही फर्क हो गया सेंस हो गया। मेरे को हर लोग आज सारू बुलाता है गुरु जी बोलता है वही सेंस है दोस्तों। यहाँ पे आने का हर चीज सेंस होता है दोस्तों। एक ही करना है हमको फोकस करना है दोस्तों। और मेरा नाम मनोज काकोटी है गाँव हाबियाल है पुस्तक जनापुखी और मेरा जिसकी खुला का इसके आसाम का दोस्तों में आसाम का दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ एक गांव से आया था दोस्तों एक गांव का हूँ बिलम पटना। मेरा मामी है टीचर का स्कूल का और मेरा फादर मैं जब ये बी एस का था तभी मेरा फादर डेथ हुआ था तब मैंने देखा मम्मी ने कितना तकलीफ उठाया हम लोग के लिए साथ भाई बहन का हम लोग के लिए कितना तकलीफ उठाया हर चीज मैंने देखा और महसूस किया। हर टाइम में मम्मी को देखा मैंने हम लोगों के लिए ज़्यादा परेशान लगता है बोलता है बेटा कुछ कर हम लोग को दिया मम्मी इतना कभी खुश के लिए कुछ नहीं किया हम लोग के लिए सोचा था टेक्स ऐसा हम लोग को मेरा को मम्मी मिला मम्मी का कुछ सोच दिया तब मेरा थिंकिंग सेंस किया इसी वजह से आज यहाँ पे मम्मी की वजह से। और इस पहले मेरा पढ़ाई शुरू हुआ था अभियल जुगना एलपी स्कूल से मेरा शुरुआत था मम्मी का मम्मी वही स्कूल में टीचर था बचपन से मम्मी के साथ मैं स्कूल गया था और मैं वहाँ तक मैं वहाँ से फोटो पढ़ाई शुरू किया। उसके बाद गाँव से दूसरा शहर में पढ़ाई करने के लिए गया वहाँ से मैं 5 से 7 तक पढ़ाई किया गणपुर बुनियादी विद्यालय में। उसके बाद मैं उससे और आगे गया तो मैं 8 से 10 तक मैंने पढ़ाई किया देखिए आई श्रीनी स्कूल में पढ़ाई शुरुआत किया दोस्तों। वहाँ पे मेरा पढ़ाई में इतना हीरो नहीं था जीरो था मतलब वहाँ पे एस एल सी देने के बाद 2005 में मैंने एस एल सी दिया था उसी टाइम मैंने मैं 9th क्लास से ही मैंने क्या था जॉब शुरुआत किया था जॉब करा था वहाँ पे एक दुकान था पीछों का दुकान था वहाँ पे मैं जॉब करा था। हर महीने मेरे को 1,000 रुपये तनख्वाह देता था 1,000 रुपये का तनख्वाह था वहाँ पे मैंने काम किया और स्कूल से आने के बाद मैं वहाँ पे काम करा था। ये मेरा जिंदगी था मेरे को पहले तो बचपन से मैं लोगों को देखा था लोगों को पैसा था मेरे को भी था मेरे को भी पैसा था बहुत सारा पैसा था ये सपना था। उस वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया काम करने के बाद खुद का मैंने बिजनेस शुरुआत किया दोस्तों। यहाँ से मैंने देखा मैंने जो भी काम करा उसको मैं तुरंत सीख लेता था ये मेरा खासियत था मेरा सिर्फ का था। उसको मैं सीखने के बाद खुद का दुकान स्टार्ट किया 9th-10th क्लास में दुकान स्टार्ट किया और पहले मेरा दुकान बराबर चला था दोबारा चला था बस बिजनेस में लॉस हो गया दोस्तों। होने के बाद मैंने काफ़ी सारा इंटरव्यू भी दिया था जॉब के लिए जॉब नहीं मिला क्या हुआ तब मैंने पेपर में ऐड देखा बैंगलोर आने के लिए मैंने डिसीजन लिया। जब बैंगलोर 2006 में मैं बैंगलोर आया था यहाँ पे बीएसएफ का जॉब मिला था बीएसएफ मतलब वो नहीं है बैंगलोर सिक्योरिटी फोर्स में जॉब मिला मेरे क्या हो रहा है बैंगलोर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर मैंने 1 मंथ काम किया। काम करने के बाद देखा इसमें नहीं हो सकता दोस्तों दूसरा हर चीज मैंने काम किया डिलीवरी का काम किया कार वॉशिंग का काम किया
नंबर लिया था, बस पहले से लड़का मैं जानता था, उसने नंबर लिया। नंबर लेने के बाद मेरे को कॉल किया, कॉल कर रहा मेरे को, बोला आपका छुट्टी कब है? मैं बोला नेक्स्ट वीक मेरा छुट्टी है। मेरा रूम पे आया और कोई नहीं था, आसाम का डायमंड लीडर मिस्टर प्रशांत कोलिता गुजर का जोड़ा डाले जा रहा है, जोड़ा डाले। ये गुरु जी ने मेरे को ये बिजनेस का प्लान, जेब सब का कंपनी का प्लान देखने के लिए मौका मिला। उस गुरु जी का बदलाव आज मैं यहाँ पे कुछ बोल पा रहा हूँ, लाइफ चेंज तो गुरु जी के बदलाव हो रहा है। और मैंने जिस दिन मेरे प्लान देखा, गुरु जी ने एक ही बात बताया था, सामने आप पैसा कमाना चाहते हो? हाँ। मैंने बोला हाँ। करोड़पति बनना चाहते? हाँ। ये की बात है? हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं मुंडी ऐसे नहीं हुआ, मुंडी हाँ हाँ बोला था, इसीलिए आज आपका दोस्तों मुंडी का खेल है, ये बिजनेस मुंडी का खेल है। जब आप मुंडी हिला गया कुछ नहीं होगा, मैंने हिलाया था बस हाँ के लिए हिलाया था, बस आके डायमंड में पहुंच गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे तुरंत ही मैंने फॉर्म में आकर ज्वाइनिंग किया था बिजनेस को, मैंने एक सूट लिया था, बस एक सूट लेकर बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था। मैंने एक छोटा सा सूट क्यों पहना है, मतलब बारात में बनना है इसलिए मेरा सूट पहना था दोस्तों, ये बिजनेस के लिए। उसके बाद घुमाटा मैंने शुरू किया बिजनेस करने के लिए। जब मेरा छुट्टी होता उसके बाद मैं प्लान देखना शुरुआत किया गुरु जी बोले, और इससे मेरे को बहुत कुछ सपोर्ट किया मेरा, हम लोग का मेंटर गुरु सबका रोल मॉडल हमारा पटेल कुमार महात्मा जोड़ा था लेने से, थैंक यू। हर चीज को मेरे को सिखाया, ए टू जेड किस हिसाब से काम करना था, किस तरीके से बिजनेस का करना था, किस तरीके से लोगों से गिरी निकालना है, हर चीज को मेरे को सिखाया, तब जाके आज यहाँ पे हूँ दोस्तों। और उसके बाद ये दिन मौका मिला, वन मंथ के बाद एक गुरु जी को मिलने के लिए मौका मिला, हम लोग का साउथ का किन चुमू महाराज को मिलने के लिए मौका मिला। जिस दिन मैं गुरु जी को मिलने के लिए क्या होकर गया था, गुरु जी का लाइफ स्टाइल देख कर मैं पीड़ा हो गया, चला लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरे को दिल में आया ऐसा भी लाइफ स्टाइल हो सकता है क्या। हाँ तुरंत मैंने सुना गुरु जी मेरे को बोला डायमंड आप डायमंड बन सकते हो, उसी दिन गुरु जी का मैं कसम कह रहा गुरु जी का नजर में डायमंड हो तो एक दिन यहाँ पे डायमंड बनना है बस, उसी दिन से मैं तुरंत काम करना चालू किया, थैंक यू। उसके बाद बिजनेस में मेरे को एक ही गुरु जी ने उठाया, एक महीने के बाद दिशा ट्रेनिंग था गोवा में फर्स्ट टाइम, मैं जब गोवा ट्रेनिंग गोवा में घूमने के लिए गया था, दिशा लेने के नहीं गया था, इसलिए मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में कभी गोवा नहीं देखा, वो फाइव स्टार होटल क्या चीज है कभी महसूस नहीं किया, उसको मैं देखने के लिए गया था दोस्तों, बस उस होटल में एंजॉय लेना है, घूमना है फूलना है, बस वहाँ पे देखा तो लाइफ स्टाइल ही बदल गया दोस्तों। जब देखा वहाँ पे जसवीर महाकुर जी और विकास पाठक जी पचमू महाराज का ट्रेनिंग था, तब देखा तीन गुरु जी को वहाँ पे देखने के बाद मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। जो बिलीव था ना, लोग यहाँ से करोड़पति बन सकता है, यहाँ से ये बिजनेस को करने से हम यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते, उसको मेरे दिमाग में घुस गया, उसी हिसाब से मैंने करने का चालू किया। और मेरे साथ बहुत सारा लोग आया, जैसे मेरे साथ आया हमारा आसाम का मिलनदी बड़ा विश्वदेव बड़ा बिटुपन थी ऐसे, और सोनोज कुमार बिहार का है, और उड़ीसा का विक्रम सुना ऐसे, राजस्थान से मुरलीधर ऐसे, आज आबू साहब हर लोग सूरज कुमार ऐसे, हर लोग मेरे साथ जुड़ के काम किया, हर आज उन लोग के साथ हजार का टीम है दोस्तों, आज उन लोग के बनने वाला टाइम है दोस्तों, थैंक यू। यहाँ पे एक ही सिखाया गुरु जी ने बता रहा है, आपको इसमें बिलीव करना है, बस विश्वास करना है, जैसे यहाँ पे बिलीव करके काम करोगे यहाँ से आप ये टाइम बन सकते हो। और एक ही यहाँ पे आप हर एक्टिविटी में आप यहाँ पे शामिल होना है, आपको सक्सेस चाहिए तब जाके आप यहाँ पे सक्सेस बन पाओगे, आप एक्टिविटी में शामिल होना है, जो भी आप एक्टिविटी आता है ना यहाँ पे, जो फंक्शन होगा वही दिशा लेने हर चीज में आपको उसमें आपको शकल दिखाना है, बस शकल दिखाना चाहो एक दिन आप तीन साल के बाद यहाँ पे 100% डायमंड बन के आओगे दोस्तों। मैंने वही काम किया, गुरु जी ने जैसे बताया था आप यहाँ पे शकल दिखाओ एक दिन यहाँ पे डायमंड, वही मैं बैठे गया, मेरे को कुछ आता नहीं था दोस्तों, मैं तो जीरो था। ये जीरो क्या होता है, हर चीज में जीरो होता है, बोल तो क्या होता है, रात में क्या होता है, जीरो होता है, वही मैं था, जैसे बताया वही काम करते गया, दिमाग नहीं लगाया, दिमाग लगाया छोड़ देने था, दिमाग है ही नहीं, पहले से दिमाग नहीं था, दिमाग में से मैं आसान से कुछ अच्छा जॉब मिला था, दिमाग नहीं था तो बैंगलोर में आकर जॉब करा था, इसी हिसाब से मैंने काम किया, तब जाके 10,000 का टीम बनाया दोस्तों यहाँ से, थैंक यू। टिकट तो हर जगह पे आता है दोस्तों, चैलेंज हर चीज में आता है, जॉब में भी चैलेंज आता था, हर काम में चैलेंज होता है, दिक्कत आता है, परेशान आता था, यहाँ भी क्या होता है वो नहीं, हमारा सचिन होता है, ये डायमंड बनकर जो भी काम होता है ना।